हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में, और मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए रोज़ाना इवनिंग में टेक न्यूज़। दोस्तों आज की कुछ पांच ऐसी ज़बरदस्त टेक न्यूज़ है आप सबके लिए, आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आप इस वीडियो में ऐसे कॉन्टेस्ट में भी भाग ले सकते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, जहाँ से आप जीत सकते हैं 72 लाख रुपये। दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहली न्यूज़ है व्हाट्सएप से। दोस्तों व्हाट्सएप नए नए अपडेट लेकर आता रहता है, और व्हाट्सएप पर एक अभी अपडेट आ चुका है जो कि पहले से बीटा टेस्टिंग पर चल रहा था। बीटा टेस्टिंग यूज़र जो कि एंड्रॉयड और iOS यूज़र पहले इस फीचर को यूज़ कर रहे थे, जिसका नाम है पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब और जो वीडियो है उसके वीडियो आप उस पर्टिकुलर ऐप या उसकी वेबसाइट पर जाकर रिडायरेक्ट होकर प्ले होते थे पहले, लेकिन अब आपके व्हाट्सएप के अंदर ही एक विंडो खुल जाएगी जिसे आप मूव कर सकेंगे अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी, और वीडियो वहां पर ही प्ले किया जाएगा। इसके साथ ही एंड्रॉयड के अंदर जो व्हाट्सएप बीटा वर्जन के लिए भी और टेस्टिंग में बहुत सारे फीचर चल रहे हैं और कुछ रोल आउट होने वाले हैं, जिसमें एक और है कि आप ग्रुप के अंदर वीडियो कॉल यानी कि 4 लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉल पर या वॉइस कॉल पर बातचीत कर सकते हैं। इस तरह का बीटा वर्जन पर एक टेस्टिंग चल रहा है, वो भी जल्दी रोल आउट होने वाला आप सबके लिए। तो जल्दी से जाइए आप प्ले स्टोर में जाकर अपने व्हाट्सएप के जो आपका एप्लीकेशन है उसे अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी खबर व्हाट्सएप से जुड़ी, और चलते हैं अगली खबर पर। दोस्तों आज है 15 दिसंबर 2018 और मैं बता रहा हूँ आपको टेक न्यूज़। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ है वो है लिनोवो से। लिनोवो एक चाइनीज़ कंपनी है जिसने एक अपना फ़ोन लॉन्च किया है, लिनोवो Z5S, जिसकी अभी लीक्स है। लॉन्च होने से पहले जो लीक हुई है बातें उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर आने वाले हैं 3 कैमरे। दोस्तों 3 कैमरे आने वाले हैं, ऐसी लीक्स की बात है, जो लीक हुई बात है वो बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर हो सकता है 10 GB रैम आने वाली है, और 18 दिसंबर 2018 को ये लॉन्च होने वाला है, यानी क्या से 4 दिन बाद में। तो दोस्तों इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 710, यानी कि 710 का आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। इसके साथ इसमें डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिलने वाली है, और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको 8.1 ओरियो का। इसके साथ बैटरी मिलेगी आपको 3120 यानी 3120 mAh की बैटरी मिलेगी, और ये लिक्स है जो कि लिनोवो Z5S जो कि आने वाला है फ़ोन 18 दिसंबर को। चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं, और फटाफट से आपको बताता हूँ फेसबुक के बारे में। दोस्तों हाल ही में अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही डाटा लीक की खबरें बहुत ही चर्चा में रही थी न्यूज़ चैनल पर और न्यूज़पेपरों के अंदर। हालांकि इस चीज़ के अंदर अभी फिर से एक ऐसा ही मामला हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 1500 से ज़्यादा ऐप्स को इस तरह की एक बग के कारण इस तरह की परमिशंस मिल गई, जो कि यूज़र्स के जो पर्सनल डाटा है, जिनकी जो टाइमलाइंस है, उनके अंदर जो अपलोड किए हुए जो फ़ोटो है और बिना अपलोड किए हुए जो शेयर किए हुए फ़ोटो नहीं है, सिर्फ अपलोड कर रखे हैं उन फ़ोटो तक ये सेंध मार ली गई है, यानी कि इस डाटा को लोगों से एक तरह से लोगों ने फेसबुक के जो अकाउंट है उसके अंदर लोगों की प्राइवेट जानकारी को किसी दूसरी 1500 ऐसी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन ने एक्सेस मिल गया किसी बग के कारण, जो कि लगातार 12 दिन तक रहा, जो कि 13 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में रहा। और इस बात के लिए फेसबुक ने माफ़ी भी मांग ली है, और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के साथ में ऐसी घटना हुई है उनको हम स्पेशल अलर्ट भी भेजेंगे, और किस एप्लीकेशन की वजह से इस तरह का मामला हुआ। दोस्तों फालतू की एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल मत कीजिए, और जब भी आप किसी अलाउ परमिशन को करते हैं तो उसके अंदर आप चेक कीजिए कि किस तरह की परमिशन को वो मांग रहा है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, और उन्होंने कहा है फेसबुक ने, हमें खेद है कि ऐसा वास्तव में हो गया है और एक बग के कारण ऐसा हुआ जो कि लगातार 12 दिनों तक चलता रहा। तो दोस्तों इससे प्रभावित हुए लोग जो कि 68 लाख लोगों के डाटा के साथ में इस तरह की उनका एक्सेस
मिला, यानी कि लोगों का डाटा देखा गया इन एप्लीकेशनों की मदद से, और उन्होंने इस तरह की परमिशंस के माध्यम से, बग के माध्यम से उनके अकाउंट्स तक इस तरह की सेंधमारी हुई है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे की खबर पर, वो है कोका कोला के स्वामित्व वाली विटामिन वाटर कंपनी है जिसने कॉन्टेस्ट निकाला है जो कि चल रहा है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। अगर आप भी चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना, और इस कॉन्टेस्ट की क्या है खास बात मैं बताऊँगा आपको, अगर आप 12 महीने के लिए अपने स्मार्टफोन को यूज़ ना करें तो ये कंपनी दे रही है आपको 72 लाख रुपये। दोस्तों हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, एक ऐसी कंपनी है जो टेस्ट कर रही है लोगों पर कि लोग कितने दिन तक अपने स्मार्टफोन से दूर रह सकते हैं। अगर आप भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा इंस्टाग्राम पर और आपको टाइप करना होगा #NoPhoneForYear। यहाँ पर आपको #NoPhoneForYear टाइप करना होगा और इसके साथ ही आपको टाइप करना होगा #contest, तो आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित आपको आप #hashtag डालेंगे तो आपको उस कॉन्टेस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इस कॉन्टेस्ट की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें कोई लीगल पेपर्स आपसे साइन नहीं करवाए जा रहे हैं, और इसमें जो लास्ट में विजेता होंगे ऐसे जो लोग उनको लाइव डिटेक्टर टेस्टिंग के साथ पास आउट किया जाएगा, यानी कि उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने ये पास करने का दावा किया है उन सब से लाइव डिटेक्टर टेस्ट लिया जाएगा, यानी उनसे इस तरह की तकनीक से पूछा जाएगा कि वो बोल देंगे कि वाकई में मैंने फ़ोन यूज़ किया या नहीं किया। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में 6 महीने भी इस तरह की जो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको मिलेंगे 7,20,000 रुपये तक का इनाम आपको मिलने की बात कही जा रही है, जो कि कोका कोला के स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका नाम है जो कि विटामिन वाटर नाम से। दोस्तों ये थी खबर जो कि यहाँ से कोका कोला के स्वामित्व वाली कंपनी विटामिन वाटर से, और चलिए चलते हैं अगली खबर पर, वो है दोस्तों पबजी गेम। दोस्तों पबजी के नाम पे सबके मन में पता नहीं गेम के सीन चलने लग गए होंगे, पर PUBG नाम का ये गेम है, बहुत ही एडिक्शन वाला गेम है, और इस गेम के पीछे पड़े हैं लोग, जो कि एक दैनिक भास्कर का सर्वे बताता है कि 68% बच्चे इस गेम की गिरफ्त में हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं इस गेम को। इसके साथ ही 20 करोड़ डाउनलोड हुए हैं और 12 करोड़ रुपया औसतन कमाई कर रहा है हर दिन PUBG का मालिक, यानी कि जो भी PUBG का ओनर है उनको इतनी कमाई हो रही है, और वो कमाई हो रही है अंदर के जो फीचर है, जैसे कि कुछ अंदर के जो वाउचर्स या इस तरह के देते हैं कुछ एडिशनल फीचर के लिए, वो कुछ एडिशनल फीचर ऐड करने के लिए इस गेम में परचेज करने होते हैं, और उससे जो कमाई हो रही है वो 12 करोड़ रुपया पर डे हो रही है। और यहाँ पर अगर बात बता दें तो इंडिया के अंदर 14 घंटे लोग 14 आवर्स यानी कि 14 घंटे तक रेगुलर लोग PUBG गेम खेल रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक के बहुत सारे लोग इस गेम के एडिक्शन की गिरफ्तार हैं। कहीं कहीं पर तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग क्लिनिक का सहारा ले रहे हैं और डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो क्लिनिक्स है वहाँ पर जाकर इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक तरह की मानसिक रोग को बताया है बहुत सारे डॉक्टरों ने कि ये गेमिंग एडिक्शन है, जो गेमिंग सिंड्रोम के नाम से इन्होंने इसका नाम दिया, और इसके साथ ही कहा है कि PUBG गेम जैसे बहुत सारे 2-4 गेम ऐसे भी हैं जिनमें भी इस तरह की एडिक्शन की बात बताई जा रही है। और दोस्तों 22 करोड़ से ज़्यादा लोग गेम खेल रहे हैं भारत के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि एक्टिव यूज़र है। और ये थी जानकारी दोस्तों PUBG से, और मिलते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेते हैं, कल मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।